नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। हालचाल लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। कोरोना के दौर में हालात से जूझती और टूटती सांसों से जुड़े कई किस्से सामने आते रहे हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसने कोरोना को मात दी है। कोरोना से जंग तो कई लोगों ने जीती है, मगर हम जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने दोनों फेफड़े खराब होने और सीटी स्कैन में 25 का स्कोर होने के बावजूद सरकारी व्यवस्था के तहत बिलासपुर के चित्रकूट आइसोलेशन सेंटर में रहकर कोरोना को हराया है। उन्हें अब आइसोलेशन सेंटर से छुट्टी भी मिल गई है और अब वे पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं। उन्होंने कोरोना को कैसे मात दी, इस पर हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का शो। कोरोना का यह दौर बहुत बेरहम है और दूसरी लहर ने पिछले 50-60 दिनों में कई लोगों को अपनी चपेट में लिया। कई लोग हमेशा के लिए साथ छोड़कर चले गए। हमारे बीच शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका कोई अपना, पास या दूर का कोई परिचित, नाते रिश्तेदार के बारे में तकलीफ देने वाली खबर ना आई हो। लोगों के हमेशा के लिए बिछड़ जाने और कई घरों के बिखर जाने की भी खबरें हैं। हर कोई इस दौर को बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहता है, लेकिन हताशा, निराशा और दुखों के बीच ऐसे भी किस्से हैं जो बताते हैं कि महामारी के इस भयानक दौर में भी उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं जरूर जलती रही, जिसने खराब से खराब हालात में भी लोगों को सिर्फ जीने का हौसला ही नहीं दिया, बल्कि नई जिंदगी भी दी। बिलासपुर में रहने वाले राजेंद्र राव भोसले भी ऐसे ही शख्स हैं जिनकी उम्र करीब 57 साल की है। उनके बारे में बताया गया कि 15 अप्रैल को उन्हें बुखार की शुरुआत हुई। उन्होंने अपना इलाज कराया, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं मिल सका। तब 3 दिन बाद 18 अप्रैल को उनके सीने का सीटी स्कैन कराया गया, जिसमें सीटी स्कोर 25 में 10 था। इसके बाद 23 अप्रैल को उनका एंटीजन टेस्ट भी पॉजिटिव आया। इससे साफ हो चुका था कि राजेंद्र राव कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और उनके फेफड़े में भी संक्रमण फैल रहा है। इसके बाद उनकी हालत और खराब होने लगी, फिर सांस लेने की तकलीफ भी बढ़ने लगी। 25 अप्रैल को फिर से उनके चेस्ट का सीटी स्कैन कराया गया, जिसमें सीटी स्कोर 25 में 25 आया। मतलब साफ है कि उनके दोनों फेफड़े पूरी तरह से संक्रमित हो चुके थे। उनकी हालत यहां तक पहुंचते पहुंचते शहर के जाने माने पुरस्कार प्राप्त आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर मनोहर लाल टेकचंदानी ने राजेंद्र राव को आइसोलेशन के नोडल अधिकारी जाने माने चिकित्सक डॉक्टर समीर तिवारी के पास भेजा। उन्होंने वीडियो कॉलिंग के जरिए मरीज की हालत देखी तो उनका ऑक्सीजन लेवल 81 आया, जिसे काफी कम माना जाता है। मरीज की हालत देखते हुए उन्होंने बिलासपुर में बनाए गए चित्रकूट आइसोलेशन सेंटर भेजा, जहां उनका इलाज शुरू हुआ। लगातार इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ और 10 मई को उन्हें चित्रकूट आइसोलेशन सेंटर से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब वे अपने घर पर पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनका ऑक्सीजन लेवल 98 तक पहुंच गया है। राजेंद्र राव की कोरोना से जंग जीतने की इस कहानी में जो सबसे बड़ी बात है, उस पर गौर करने की जरूरत है। याद कीजिए, तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के दौर में लगातार सुनने को मिल रहा था कि कई लोगों का संक्रमण स्तर बहुत अधिक हो गया है। फेफड़े में संक्रमण का स्तर 25 की संख्या से नापा जाता है, जो 8-10 से ऊपर होने पर मरीज की स्थिति गंभीर मानी जाती है। ऐसी हालत में मरीज और परिजन के सामने अफरा तफरी का माहौल होता है और संक्रमित मरीज को बचाने के लिए आईसीयू बेड से लेकर वेंटिलेटर तक की जरूरत पड़ती है। सभी ने देखा है कि अपने आसपास भी लोगों को आईसीयू या वेंटिलेटर बेड के लिए काफी भटकना पड़ा और उसकी सुविधा नहीं मिलने पर कई लोगों की सांसें उखड़ भी गईं। आर्थिक रूप से सक्षम होने के बाद भी कई लोगों को इस तरह के हालात का सामना करना पड़ा था। तब सब कुछ होकर भी लोगों को वेंटिलेटर बेड और रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन के लिए जूझना पड़ा था। राजेंद्र राव की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी और इलाज के लिए वे ऐसे किसी अस्पताल तक पहुंचने की सोच भी नहीं सकते थे। तब डॉक्टर एमएल टेकचंदानी और डॉक्टर समीर तिवारी उनके सामने फरिश्ता बनकर आए। उन्हें सरकारी व्यवस्था के तहत बनाए गए चित्रकूट आइसोलेशन सेंटर भेजा,
यह सेंटर मरीजों के आइसोलेशन के लिए है, जहां सामान्य और ऑक्सीजन बेड की सुविधा तो है लेकिन आईसीयू या वेंटिलेटर बेड की सुविधा नहीं है। कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर की पहल पर चित्रकूट आइसोलेशन सेंटर में ऐसा दुरुस्त इंतजाम किया गया है जिससे वहां भर्ती मरीजों की देखरेख लगातार होती है और बेहतर इलाज से लोग ठीक होकर लौटे भी हैं। चित्रकूट आइसोलेशन सेंटर के प्रभारी डॉक्टर अभिजीत दुबे भी पूरी दिलचस्पी के साथ दिन रात मरीजों की देखभाल करते हैं। इस सेंटर से राजेंद्र राव के पूरी तरह से स्वस्थ होने का यह किस्सा इस धारणा को भी गलत साबित करता है कि केवल प्राइवेट अस्पतालों में ही कोरोना मरीजों को बेहतर सुविधा मिली है और सरकारी व्यवस्था में लोगों को अपने उम्मीद के हिसाब से इलाज की सुविधा नहीं मिली। जाहिर सी बात है कि तेजी से संक्रमण बढ़ने के कारण सरकारी सिस्टम पर भी दबाव बढ़ा, जिससे कई जगह लोग बदइंतजामी के भी शिकार हुए। लेकिन राजेंद्र राव जैसे लोगों को मिली नई जिंदगी की कहानियां बताती हैं कि सरकारी व्यवस्था ने भी कोरोना संक्रमण के दौर में लोगों को बेहतर उपचार की सुविधा दी है। एक खास बात और है कि जिस समय लोग अस्पतालों में दाखिल होकर लाखों रुपए खर्च कर रहे थे, ऐसे वक्त में अपनी ओर से बिना कुछ खर्च किए पूरी तरह सरकारी खर्च पर उनका इलाज हुआ। आयुर्वेद के बेहतरीन जानकार, सामाजिक सरोकार से संबंध रखने वाले डॉक्टर समीर तिवारी पिछले एक साल से लगातार बिना छुट्टी बिना आराम लगातार होम आइसोलेशन के मरीजों की देखरेख कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें नोडल अधिकारी बनाया गया है। उनकी देखरेख में बड़ी संख्या में लोग घर पर ही रहकर ठीक हुए हैं। राजेंद्र राव को चित्रकूट आइसोलेशन सेंटर पहुंचाने और उनके इलाज को लेकर सतत संपर्क में रहे डॉक्टर समीर तिवारी से हमने इस बारे में बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कोरोना से जंग जीतने वाले राजेंद्र भोसले के बारे में जो हम बात कर रहे थे, इस सिलसिले में पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदिक चिकित्सक और सामाजिक सरोकार से गहरा नाता रखने वाले डॉक्टर समीर तिवारी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। और हम आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहते हैं कि जो राजेंद्र भोसले, आप किस तरह से इनकी बीमारी के बारे में जानकारी मिली और किस तरह से उनके आगे की इलाज की प्लानिंग की गई? जी जी, नमस्कार। राजेंद्र राव भोसले के बारे में जो मुझे जानकारी मिली, वो उनका जो है 18 तारीख का जो है चेस्ट का सीटी स्कैन हुआ था। तो वो सीटी स्कैन जो है डॉक्टर एमएल टेक चंदानी, जो हमारे वरिष्ठ हैं और आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, तो उन्होंने कराया था। तो उनका चेस्ट का सीटी स्कोर उनका 10/25 मिला था उनको। तो वो मुझसे चर्चा किए कि ऐसी ऐसी बात है, इनके लिए क्या करना है। तो उसी समय ये हुआ कि इनका अभी केवल चेस्ट सीटी स्कैन से कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता जब तक कोविड का टेस्ट ना कराया जाए। तो उनका एंटीजन का टेस्ट हुआ। एंटीजन का टेस्ट हुआ, पॉजिटिव आने के बाद से फिर इनका जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। लेकिन इनकी स्थिति फिर जो है थोड़ी सी और बिगड़ती चली गई। 25 तारीख को पुनः इनका जो है एक चेस्ट का सीटी स्कैन कराया गया। साथ में उनको दवाइयां चलती रही, कुछ आयुर्वेद की भी दवाइयां चलती रही, कुछ जो है कोविड प्रोटोकॉल की जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो सब भी उनको चलती रही। लेकिन उनके मतलब सुधार में, स्वास्थ्य में उतना सुधार नहीं हुआ। तो फिर 25 तारीख की रात में जो है उनके घर से मेरे पास फोन आया कि ऐसी ऐसी कंडीशन है इनकी और मतलब बेड से उठ नहीं पा रहे हैं। तो फिर हम उनसे कॉल किए, फिर उसके बाद वीडियो कॉल किए, फिर उनको देखे कि वो बेड पे पड़े रहे और उनको SpO2 लेवल 81 के करीब पहुंच गया था। तो मैंने तत्काल में उनको कहा कि अभी इनको वर्तमान में अब घर में ना रखें और इनको तुरंत जो है किसी भी हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। तो उस समय हमारे पास जो चित्रकूट आइसोलेशन सेंटर में ऑक्सीजन बेड उपलब्ध था, तो इनको तुरंत वहां पे शिफ्ट करा दिया गया। जी, ठीक है। तो ये जो एक उसके बाद जो उनके सामने जो स्थिति आई कि उनका जो फेफड़े का संक्रमण वो 25 स्कोर तक पहुंच गया है, ये स्थिति कब सामने आई? ये स्थिति 25 तारीख का जब सीटी स्कैन हुआ उनका, जिस दिन उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी थी, तो फिर से उनका पुनः दोबारा जांच हुआ था कि आखिर इस तरह कंडीशन क्यों नहीं है, बिस्तर से उठ पा रहे हैं और इनका ऑक्सीजन लेवल ऐसा क्यों डाउन जा रहा है। तो 25 तारीख को ही इनका फिर से जो है चेस्ट का सीटी स्कैन हुआ, तब उस दिन को उनका 25/25 रहा। तो अब उस स्थिति में फिर उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा। जी, जी, जी। तो
वो आपने जो सरकार की तरफ से जो बनाई हुई व्यवस्था है चित्रकूट आइसोलेशन सेंटर, वहां पर उन्हें दाखिल किया गया, वहां किस तरह की सुविधा है एक किसी भी पेशेंट के इलाज के लिए? चित्रकूट आइसोलेशन सेंटर अपने आप में समृद्ध है, एक तरह से वो अस्पताल के तौर पे ही वो संचालित किया जाता है। वहाँ पे ऑक्सीजन बेड है, वहाँ पे सारे पैरामीटर की सारी सुविधाएं हैं, सारी दवाइयां हैं, वहाँ पे जो है रोगियों के रहने के लिए उनके जो है दवाइयों से संबंधित, रहन सहन से संबंधित, भोजन से संबंधित सारी सुविधाएं वहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। जी तो एक ऐसे पेशेंट को जिसका जो सीटी स्कैन स्कोर 25 है, उसको वहां पर जी दाखिल करके उसका इलाज करना कितनी बड़ी चुनौती थी, और क्या उसके लिए किस तरह का आपने प्रोटोकॉल उपयोग किया कि जिससे वो स्वस्थ हो सके? जी जी ये तो चुनौती तो बहुत बड़ी थी, 25/25 ये चुनौती तो हम लोग के लिए भी हाथ पर फूलने जैसी ही स्थिति थी। लेकिन इसमें उनको ठीक होने का जो कारण जो समझ में आता है कि एक तो पेशेंट का विल पावर, वो जी खुद से दृढ़ थे, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी, और तत्काल में उनको ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हो गया। जी ये सही समय पे उनका मतलब डायग्नोसिस हुआ, सही समय पे वो अस्पताल पहुंच गया और उनको ऑक्सीजन बेड मिल गया, और इसके अलावा साथ में सपोर्टिव मेडिसिन स्टार्ट हो गई, तो उनकी रिकवरी का ये सबसे बड़ा कारण। जी डॉक्टर साहब, एक आम तौर पे इस तरह जो संक्रमित हुए हैं, हमने पिछले 50-60 दिनों में देखा है कि लोगों को वेंटिलेटर आईसीयू के लिए मारामारी करनी पड़ी और लाखों रुपए लोगों ने खर्च किए। तो ये जो जी आपके राजेंद्र भोसले जी हैं, उनके इलाज में खर्च कितना लगा होगा? इनके इलाज में खर्च कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि चित्रकूट आइसोलेशन पूरी तरह से सरकारी व्यवस्था थी। वहां पर सारी चीजें जो है निःशुल्क ही प्रदाय की जा रही थी, जबकि औषधि दवाइयां वगैरह भी सब। जी, एक बात आपने कही कि विल पावर बहुत अच्छा था, उसके कारण से उनको रिकवरी में बहुत मदद मिली। तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो पेशेंट हैं कोरोना के, उनके लिए हौसला जो है, वो जीने की ललक जो है या विल पावर है, वो कितना महत्वपूर्ण होता है? आपने क्या देखा है? ये अभी की स्थिति में तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके खुद का विल पावर अगर अच्छा है तो बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। अगर आपको जो है अपने जो है दैनिक दिनचर्या, रहन सहन के साथ खुद की इच्छा शक्ति अगर आपके अंदर है, तो फिर इस कोविड से आप जो है बहुत आसानी से जो है आप मुक्त हो सकते हैं। हाँ डॉक्टर समीर तिवारी, आप लगातार 1 साल से बिना छुट्टी लिए, बिना रुके, बिना थके, लगातार होम आइसोलेशन के लोगों की देखभाल कर रहे हैं, तो आपका अनुभव अनेक क्या है? हम ये भी एक संक्षेप में जानना चाहेंगे कि जो लोग कोरोना से प्रभावित होते हैं, उनको आपको किस तरह से आप हौसला देते हैं, किस तरह से उनका ट्रीटमेंट करते हैं, और कितनी संख्या में लोग होम आइसोलेशन के बाद वो स्वस्थ हो हुए हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा। जी होम आइसोलेशन में अभी वर्तमान की स्थिति में, क्योंकि बिलासपुर में होम आइसोलेशन 1 अगस्त 2020 से स्टार्ट हुआ था, और अभी वर्तमान स्थिति में कम से कम 56,200 के करीब जो है रोगी रिकवर कर चुके हैं। जो टोटल 1661,000 टोटल होम आइसोलेशन वाले पेशेंट थे, जिसमें 56,000 के करीब पेशेंट रिकवर कर गए। तो होम आइसोलेशन एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, जिसमें हम रह के और अपने स्वास्थ्य का इलाज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रोटोकॉल की सारी मेडिसिन तो आपको दी जाती है। आपको घर का माहौल है, लोगों का, परिवार का साथ है, तो आपकी रिकवरी जल्दी होगी। डॉक्टर तिवारी, आप जैसे कोरोना योद्धाओं के हौसले को, आपकी सोच को, आपके समर्पण को हम यहाँ याद भी करना चाहेंगे और उसको सम्मानित भी करना चाहेंगे। आपने इस संबंध में जानकारी देने के लिए अपने व्यस्त समय में से वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी धन्यवाद। आपने सुना कि कोरोना के भयंकर दौर में हालात का सामना करने और वक्त पर मरीजों की मदद करने के लिए प्रशासन की ओर से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। हालांकि इसमें कई जगह खामियों की भी खबरें आती हैं, लेकिन कामयाबी के भी किस्से हैं जिन्हें देख सुनकर सुकून मिलता है। सुकून इसलिए मिलता है क्योंकि समाज के आम लोग अपने इलाज के लिए अब भी इसी सरकारी व्यवस्था के ही भरोसे रहते हैं। लिहाजा सरकारी सिस्टम को इतना चुस्त दुरुस्त होना चाहिए कि लोगों को समय में राहत मिल सके। हम उम्मीद करेंगे इस तरह बेहतर इंतजाम का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा।
आज के शो में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि अगर हमारी यह कोशिश आपको पसंद आए तो कृपया हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर उसे अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कर सकते हैं। आजाद पत्रकारिता की हौसला अफजाई के लिए आपकी ओर से यह एक बड़ा योगदान होगा। अपना भी ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। अगले शो में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।